बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली जल्द ही माता पिता बनने वाले। दोनों ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। विराट और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में इटली में शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी हमेशा चर्चा का विषय रही। विराट और अनुष्का की पहली मुलाकात 2013 में एक शैम्पू के विज्ञापन के दौरान हुई थी। अनुष्का के साथ स्क्रीन शेयर करते वक्त विराट काफी घबराए हुए थे। विराट ने बताया था कि मुझे याद है जब मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था कि शैम्पू ब्रांड के बाद आपको एक ऐड आया विज्ञापन करने के लिए। मैं काफ़ी उत्साहित था, लेकिन जब बंटी से पूछा कि मेरे साथ कौन है तो उन्होंने कहा कि अनुष्का शर्मा है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और मैं कहने लगा कि तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ। इसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि मैं एक फ्रेम में कैसे आ सकता हूँ। वो पेशेवर कलाकार और उसके साथ अगर मैं आया तो एक बंदर की तरह दिखूंगा, मैं बिल्कुल पागल ही दिखूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। विराट जब पहली बार अनुष्का से मिले तो इतने नर्वस हो गए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। वो सेट पर खड़े थे, अनुष्का लंबी थी, ऊपर से वो हील पहनकर आई तो और भी लंबी दिखे। वो उनसे बहुत ज्यादा लंबी लग रही थी, इसलिए विराट और ज्यादा नर्वस हो गए। उन्होंने सोचा कि कुछ फनी करते हैं जिससे शायद अनुष्का हंस पड़े। अनुष्का से उन्होंने कहा, क्या आपको इससे ऊंची हील नहीं मिली थी? अनुष्का ने विराट की इस बात पर हंसने के बजाय कहा, एक्सक्यूज मी। इसके बाद विराट कुछ समय के लिए बहुत अजीब महसूस करने लगे। हालांकि उन्होंने अनुष्का को बता दिया कि वो मजाक कर रहे थे। वो शूट तकरीबन 3 दिन तक चला। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि अलग अलग करियर बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी दोनों में बहुत सारी समानताएं। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। दोनों ने ही एक ही साल यानी 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी और बहुत सी बातें थी जो दोनों के बीच कॉमन थी और उस कॉमन बातों ने ही आज उन दोनों को बहुत खास बना दिया। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज शाम प्लस।